हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक और फाइनली माइंडपुर के वीडियो के साथ में। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, मैं वापस फाइनली आ चुका हूँ। आज है क्रिसमस डे, सो मैरी क्रिसमस, तेरी क्रिसमस, सबकी क्रिसमस। सो जैसा कि मुझे पता चला है गाइस कि जो मेरा पुराना बेस है वहाँ पे एकन भाई ने मेरे लिए गिफ्ट छोड़ा है जो कि मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट मकड़े का गिफ्ट मैंने देख लिया है उसकी स्ट्रीम पे, तो मुझे पता है कि मुझे भी क्या मिला होगा, बुक्स एंड कुछ मिली है चीज़ें। बट एक और चीज़ मुझे मकड़े से पता चली है कि एकन भाई को गिफ्ट नहीं मिला है शायद, तो आज हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं उनके लिए। मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले अभी हम एक गिफ्ट तैयार करेंगे एंड उनको नॉर्मली वो गिफ्ट नहीं देंगे, एक ट्रैप बनाएंगे पहले हमें, और वो असलियत में ट्रैप नहीं होगा, वो आपको बेसिकली समझ में आएगा। एक हम छोटा सा गिफ्ट हाउस बनाएंगे, बड़ा सारा गिफ्ट होगा जो जिसके अंदर उनको जाना पड़ेगा एंड अंदर जाते ही ज़मीन खुल जाएगी एंड वो नीचे गिरेंगे एंड नीचे हम 30 ब्लॉक्स नीचे लगभग मैं सोच रहा हूँ पानी लगा देंगे ताकि उनको कुछ हो ना, बस गिरने का डर आ जाए कि शायद ये ट्रैप था, असलियत में अंदर कुछ नहीं था। एंड जब वो नीचे गिरेंगे, क्योंकि गिरना ज़रूरी होगा उनके लिए, क्योंकि गिरने के बाद जब वो पानी में लैंड होंगे तो वहाँ पर उनका गिफ्ट होगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ। तो या उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं गाइज एक्चुअली जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने शिफ्ट किया था इस नए घर में एंड जो कि कुछ भी नहीं बना है। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, क्योंकि मैं आया नहीं माइनपुर में ऑनलाइन, सबका सब सेम टू सेम पड़ा है और सब सामान भी मेरा बिखरा हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे देना क्या है उनको, क्योंकि यू नो भाई एकन भाई है, उनको चाहिए क्या, तो कुछ थोड़ा सा ढंग का सोचना पड़ेगा मुझे। एंड मेरी इन्वेंटरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी पोजीशन में है। ओ भाई भाई भाई, एकन भाई की दिवाली वाली मेरे पास में कैसे आ गई वे। ओके तो ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास में शायद से कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए, जो कि आप लोगों को पता है मैंने मेरा रॉकेट शॉप बनाया था ना, उसके लिए बनाया था, बट क्योंकि अब जैसा कि मैंने बोला ना कि मेरे पास इसमें तो मैंने देखा इधर उधर होगा। ओके, वाइट कॉन्क्रीट भी मिल गया, आई थिंक इतना काफ़ी है सिर्फ एक बॉक्स बनाने के लिए, बट स्टिल कुछ एक्स्ट्रा मैं ले जाता हूँ अगर है तो, जैसे कि ये रहा और वाइट कॉन्क्रीट मिला है। ठीक है, ग्रे कलर की पट्टी लगा देंगे ऊपर, अच्छा भी लगेगा, है ना। तो ये भी मैं रख लेता हूँ एंड ग्रे कलर के ऊपर पट्टी लगा देंगे, रिबन मतलब। तो या आई थिंक सही है। एंड मेरे को ट्रैप बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए होगी उसके अलावा, मतलब मैं जो बेकार चीज़ें ना रख देता हूँ ताकि मेरी इन्वेंटरी की हालत ख़राब ना हो जाए। ओके, तो ट्रैप के लिए मुझे तो सबसे पहले तो रेडस्टोन हाथ में पकड़ना पड़ेगा, रेडस्टोन तो चाहिए ही ऑब्वियसली। आज पहली बार आप लोग मेरे को छोटा सा रेडस्टोन करते हो, देखोगे सिंपल एकदम मैं ट्रैप बनाने वाला हूँ, ठीक है, ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना। ओके, इसके अलावा आई थिंक मुझे पिस्टन चाहिए होगा बट स्टिकी वाला, उसके लिए एक स्लाइम चाहिए। ओके, स्लाइम भी मेरे पास में था कहीं पे शायद। गाइज मेरे को है ना, आप इतनी बार खोलते हुए देखने वाले हो ना ये सारी चीज़ें, सही में मतलब एक एक करके चीज़ें याद आएगी मेरे को। वाह भाई साहब, स्लाइम नहीं लाया क्या मैं कुछ, यार मेरी जेब में कुछ पड़ा हो नहीं इसमें, ये स्लाइम नहीं है मेरे पास में यार, सीरियसली। ठीक है, आई थिंक आई एम ऑल डन, मैं इधर भी वापस चेक कर रहा था बट आई डोंट थिंक इधर भी कुछ है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ गाइस। ठीक है, मेरे को जो चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ले ली ना, नेवर माइंड। तो बनाने के लिए मुझे ना एक टॉर्च और चाहिए होगी, जो कि मैंने रेडस्टोन ले लिया, तो टॉर्च मैं बना पाऊंगा बड़े आराम से। एंड या सारी बनाने की चीज़ें ले ली मैंने, पानी लेना पड़ेगा, पानी के लिए बकेट ले लेता हूँ मैं एक, और एक और शायद बकेट भी बनानी पड़ेगी। एंड एक डायमंड मैंने ले लिया जो कि मेरे को एकन भाई को देना था, जो कि आपको पता है मैंने वो फार्म बना रखा है ना पिगमैन वाला, उसमें मैंने बीच में अंडे लगा रखे जो कि मैंने उनसे लिए थे और कुछ कन्फ्यूजन हो गया, जिसकी वजह से उनका डायमंड मेरे पास में ऑलरेडी पहले से आ गया था, आप लोगों को पता है टाइम पीछे चला गया था, सर्वर बैकअप नहीं हुआ था उसके कारण। तो मेरा उनको पे करना बाकी है जो कि मैं करूँगा, आई थिंक ऑल डन, नेवर माइंड। चलो अपने घर पे चलते हैं गाइस, देखते हैं उन्होंने क्या दिया है एग्जैक्टली, पता नहीं मुझे पूरा सेम दिया है, वैसे तो सेम ही देते हैं वो। एंड आई थिंक मुझे पता है कि हाँ इधर ही है शायद घर, आई थिंक नहीं गलत डायरेक्शन के शो, इधर को कहीं पे है घर। मैं पता है गिफ्ट में उनको देने की सोच रहा हूँ जो मेरा आप लोगों को पता है हेड कलेक्शन है,
उसमें मेरे पास में काफ़ी विलेजर हेड्स हैं, जो कि आप लोगों को पता है मेरा जो फार्म है उसके अंदर विलेजर्स भी स्पॉन होते हैं, पता नहीं कैसे जॉम्बी वाले, तो उनके हेड्स मेरे पास में हैं एंड आई थिंक उनके पास में विलेजर्स हेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि और मैं क्या सोच सकता हूँ जो मतलब उनके इनके थोड़ा सा मतलब कोई नई चीज़ हो उनको खुश करे, कुछ ऐसा मैं सोचने करने की सोच रहा हूँ। एंड बाय द वे एकन भाई खुद भी मेरे वीडियोस देखते हैं कभी कभी, मैंने उनका कमेंट पढ़ा है, तो एकन भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसके आगे कंटिन्यू मत करना, क्योंकि फिर यू नो मज़ा ख़राब हो जाएगा यार। एंड उनको भी देखना पड़ेगा यार। अच्छा ओनली अभी ब्लैकली ऑनलाइन है जो कि शायद स्ट्रीम कर रहा है, तो उनके यू नो उनके बेस पे मैं बनाने वाला हूँ। तो ओ ये रहा गिफ्ट इधर ही है। ओके नाइस, तो क्या मिला है हमें वैसे। ओके ये आर्मर वापस मिल गया, जो कि मुझे पता चला था वो अपने विलेजर से ट्रेड करके ले आते हैं, पिछली बार मैं बहुत खुश हो गया था बट पता चला ये कुछ 40-30 पर फिर भी यार काफ़ी उनके एमरल्ड्स लग गए होंगे यार इनमें, कहने की बातें हैं। मेंडिंग यार, बट मेंडिंग अब मेरे किसी काम की नहीं है, बट एनीवेज मिल गया तो अच्छा है यार, कभी मरमर आ गया तो मेंडिंग काम आएगी। अनब्रेकिंग सही है भाई 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 भाई, मजा आ गया, इसको ले साथ में अनब्रेकिंग की वैसे रख रहा हूँ मैं गाइज, माइनपुर में अनब्रेकिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो मेरे पास में अब क्योंकि शल्कर बॉक्स एक ही है ना, मैं सोच रहा हूँ इन्हीं का शल्कर बॉक्स इन्हीं को दूंगा मैं, ठीक है, बट चीज़ें रख लूँगा ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने मेरे को गिफ्ट की है। बट इससे पहले चलो पहले मैं ना ये ले ही लेता हूँ सारी चीज़ें, एंड आई होप मेरी इन्वेंटरी तहस महस ना हो जाए। इधर डाल दो क्या फूड वाले सेक्शन, मैं वैसे भी शिफ्ट कर ही रहा हूँ तो डाल ही देता हूँ, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एंड ये रहा ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें, उनकी बुक पढ़ लेते हैं, बुक में क्या है मेरे पास, उनकी पुरानी दिवाली वाली बुक भी पढ़ी थी गाइस। सही में ओके, हैप्पी हॉलीडेज, ऑल आई वांट फ्रॉम फॉर क्रिसमस फ्रॉम यू इज डायमंड्स। पूरे मानपुर में मैंने ही डायमंड्स दिए हैं भाई एकल भाई आपको मेरे। मतलब उनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डायमंड्स चाहिए ना, नहीं बट हम डायमंड्स नहीं देंगे तुम्हें, कुछ भी हो जाए एकनवा बबुआ हम आपको कुछ भी दे देंगे बस डायमंड्स नहीं देंगे। नहीं एक डायमंड देंगे आज, वो आपका हक बनता है। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि उनसे ना ही चीज़ें खरीदूँ, क्योंकि उनको वो वैल्यू ऐसी देते हैं ना साला, दिल कर देता है लेने का। ओके ठीक है तो ये खाली हो चुका है, अब इसको अपने गिफ्ट बना देंगे एंड मेरी चीज़ें मैं इधर को रख देता हूँ। 3-3 केक यमी, बट उनका केक खाने में मुझे डर लगता है, क्या पता कुछ मिलावट करके दिया हो, आफ्टर ऑल एकन है। देखो मेरे पास में है ना विलेजर्स के, बट है नहीं यार लाइब्रेरियन का। देखो मेरे पास में जितना भी डबल है ना मैं सब दे देता हूँ, ठीक है, जैसे ये पेड एंड ये लामास, तो आई थिंक नॉर्मल हो गए है ना, बट ये इनके पास में शायद होगा, आई डोंट नो। एक काम करते ऐसे देते काफी सारे हेड्स देते हम, ठीक है। बाय द वे आप लोगों ने देखा ये क्रिसमस पे जो भी हर साल है वो माइनक्राफ्ट वाले ऐसे चेस्ट कर देते, बट ये मेरा नॉर्मल चेस्ट है एंड ये एंडर चेस्ट है, दोनों सेम क्यों है। ओ थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, आ जा, दोनों सेम है यार, काफ़ी अनोइंग है ये, मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, इसको कुछ येलो या फिर कुछ और कलर कर देते ना। चलो एनीवेज हम इस पे लिख सकते हैं मैरी क्रिसमस लिख देते हैं, ठीक है नॉर्मल रखते हैं। ओके स्पेलिंग सही लिखी है ना मैंने। ओके मेरे को है ना एक पेपर भी मेरे पास में परफेक्ट है, जिसमें मैं जो यू नो मैं फेक चेस्ट जो मैं आगे रखने वाला हूँ उसके अंदर रखूँगा, तो उसमें अपने क्या लिख सकते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा नॉटी बच, अरे यार ई रही यार, ऐसे ना करो यार, समझ जाना भाई समझ जा, ठीक है चलो। बोलेंगे मेरे को नोटिंग स्पेलिंग नहीं आती, हे भगवान। चलो जाने दो। मेरे को पिस्टन बनाना है एक, तो
पिस्टन के लिए क्या लगेगा? आयरन लगेगा सच। आयरन पड़ा था यहीं पे कहीं पे। यस आई थिंक इट्स इनफ। इधर वाले में चिपक गया। ओ आ गया आ गया आ गया आ गया। साला लैग कर रहा है भैया। तो अरे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं। नहीं रे गिफ्ट दे रहा भाई को। ए! तेरी तो ऐसी गन तैसी। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं क्या कर रहा था। ओके मेरे को पिस्टल बनाना है एंड इसके ऊपर ये लगेगा। ओके डन। आई थिंक एवरीथिंग इज रेडी गाइज। लेट्स सी। पता नहीं हो सकता है कि ट्रैप काम ही ना करे। हो सकता है एकल भाई असली गिफ्ट देखे ही ना आगे का पढ़ के निकल लिए। फिर तुम लोग कमेंट्स में बताना ठीक है उनको। वेट अ सेकंड गाइस। मेरे को उनका बेस पता लगाना पड़ेगा पहले। अरे पता है नैदर से है ना एकन भाई का बेस वैसे मिल जाना चाहिए। पता है मेरे नैदर से। ओके मैं एंडिंग में काफ़ी है अभी तो। बहुत उड़ना पड़ेगा। अरे ये तो क्या है ये ऐसे ऐसी जगह पे मैं कैसे आया। अरे ये तो शॉप है लॉल। मैं खुश हो गया। मुझे लगा मुझे मिल गया। अरे यही कहीं होना चाहिए यार। रुक जाओ मुझे नीचे उतरने दो मुझे नीचे उतरने दो। आई नीड टाइम एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। 6.5 hours later. ओके गाइस फाइनली। रैंडमली उड़ते उड़ते मुझे लगा कि दोनों माइनस में चलता हूँ एंड इनका ये आलीशान जो भी ग्लोब वगैरह है ये कुछ स्पॉइलर होपफुली मैं ना दे रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं इधर नहीं हूँ तो पता नहीं। एंड वो इधर रहते भी हैं कि नहीं। और ये इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। अरे अपने घर के नहीं ये उनके घर के सामने का है ये कुछ और है। इसके बजाय हम कुछ बकवास पहले करें। हम उनके बेड पे एकदम मस्त आनंद लेते हैं। बनाए किधर अब ये सोचना है यार। उन्होंने सैंड में एक तो घर बना रखा है। नहीं ओके तो मैं इनके बेस से थोड़ा दूर जाना चाहता हूँ। आई थिंक दूर का मतलब कि एकदम उनके मुंह पे इधर नहीं बनाना चाहता। सो आई थिंक ये जगह सही रहेगी। आई डोंट नो इधर को थोड़ा सा चलता हूँ। चलो आई होप गिफ्ट बॉक्स दिख जाए उनको। आ केशव शवल कैसे भूल गया तू सीरियसली। हाथों की पावर दिखाओ। अब बैठ कर। ओके भाई एकन आ रहा है ऐसा मैसेज ना आ जाए बस अब मुझे वरना मजा नहीं आएगा। ओके तो इधर आएगा रेडस्टोन लाइक दिस। ये रिपीटर आएगा लाइक दिस परफेक्ट। एंड इधर आएगा एक ब्लॉक जो कि हम वाइट कंक्रीट यूज़ कर लेते हैं। व्हाई नॉट इससे सिग्नल चला जाएगा ना आई होप। एंड एक टॉर्च चाहिए हमको जो कि आएगी इधर। यप एंड लेट्स सी ये आएगा इस साइड में फेस करता हुआ। यप एंड एट लास्ट इधर आएंगे हमारे दो ब्लॉक जो कि मैं वाइट कलर से ही कर देता हूँ अच्छा लगेगा ठीक है। ओके आई थिंक हमारा ट्रैप सेट है। प्लीज़ बोलना मत कि मैं ओके ये मैं शायद वुडन बना सकता हूँ एंड सही भी लगेगा जो कि मैं बाद में बनाऊँगा। इधर एक बस प्रेशर प्लेट अपने को लगानी है एंड एवरीथिंग इज डन आई थिंक। या तो देखो अब गिफ्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा ठीक है। अभी गिफ्ट बॉक्स के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को। डू इट लाइक दिस। ओके
यस आई थिंक गिफ्ट जैसे शेप आ जाएगी। एक दो तीन, बाद में इसको थोड़ा सा डिजाइन देने की सोचते हैं। आई थिंक मैं वाइट से ही रिबन एंड वो बना दूंगा। अब ग्रे थोड़ा अजीब लगेगा, इसके लिए मैं पूरा पूरा रेड कर रहा हूँ। ओके पूरा यूज हो गया भाई साहब। ये तो लगता है थोड़ा सा मेरे को वेरिएशन डालना पड़ेगा। ओके आई थिंक इट पूरा पूरा काम हो गया लगभग। ओके नाउ ऑब्वियसली ये हमको दिखाना नहीं है तो कवर इट लाइक दिस। यस आई थिंक सब सही लग रहा है। एंड ये भी हम कुछ ऐसे कर देते हैं। आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूं बट मैं कर रहा हूं गाइस। ठीक है नेवर माइंड। ये हमको वैसे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से कवर कर देते हैं। तो बेसिकली उनको इधर आना होगा, इधर प्रेशर प्लेट उनको लगेगी, उनको लगेगा कि गेट खुलेगा एंड पीछे कुछ गिफ्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं हूँ। ओके तो या एंड इसको अब गिफ्ट की शेप देने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। एंड ऊपर से मैं इसको वाइट कवर कर देता हूँ, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है डिज़ाइनिंग में। नेवर माइंड ठीक है। आई होप ये गिफ्ट की शेप ला रहा हो। आई डोंट नो मैन कैसी शेप ला रहा है ये। ओके मे बी ऊपर से हमको करने की जरूरत नहीं है, साइडों से दिखाना पड़ता है। तो वी कैन सेव सम लाइक, मैं ऐसा डिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि यू नो ये वाइट थोड़ा सा अजीब ना लगे। आई होप साइडों से। एंड आई थिंक यहाँ से भी हमको वाइट ला देना चाहिए, मे बी लाइक दिस। क्या ये क्यों जैसे शेप ला रहा है? मैं कितना बुरा हूँ गाइज। अब मैं बना रहा हूँ ना जब, तब मुझे पता चला है मैं कितना बुरा हूँ डिज़ाइनिंग में। चलो ठीक है, इधर से अपने ऐसे कर देते हैं। लेट्स डू इट। बॉम 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 बॉम। एंड अगर हम ये वाला नहीं ये लगा दे तो ओके अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गिफ्ट जैसा लग रहा है। ठीक है अब थोड़ी सी ऊपर शेपिंग देनी है बस अपने को, जो कि हम इधर से चलते हैं। ओके थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेट्स रिमूव दिस। ये डायगोनली सही नहीं, ऑब्वियसली मैं सही कैसे बना सकता हूँ ये के बारे में, परफेक्ट पता ही था मुझे। मैं छोड़ रहा हूँ ये गेम, मैं छोड़ रहा हूँ ये गेम। नहीं खेली जाती मुझसे। ओके इधर से एक्चुअली ऐसे शेप कुछ दे सकते हैं अपने, बट इसको मैं डायगोनली ऐसे कैसे प्रिटेंड करूँगा कि ये मतलब बंदी हुई है, मतलब Two thousand years later. ये तो नहीं रिमूव कर दो। या ठीक है बस अब हो गया, अब मैं और गिफ्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी हमें आगे बहुत कुछ करना है। ओके लुकिंग गुड, लुकिंग लाइक अ गिफ्ट। एंड ये मेन चीज होगी जो कि गाइस अंदर जाएगी। ठीक है आई होप वो इधर नाटक जाएं, जो कि लेट्स सी देखा जाएगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट नीचे खोद रहा हूँ भाई साहब। चार चार पे कैसे आ गया, 8 समझते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 ग्रेवल क्यों आ गया भाई, 18 कुछ कांड ना हो जाए मेरे साथ में। आई थिंक इतना इनफ है, वैसे भी हमको डराना ही तो है। Many months later. Okay. अरे 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 काम की चीज फेंक दी केशव तूने, क्या कर रहा है तू, क्या कर क्या रहा है। ओके तो ऐसा रहेगा, एकल भाई को लगेगा हाँ ये अभी दरवाजा खुलेगा, मेरे को तो ट्राई करने में डर लग रहा है। ओके ठीक है काम कर रहा है। ओके ओके बट क्या हो जब अगर वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं एंड कुछ करते नहीं है, जो कि ये मैंने अभी बेवकूफ़ी की कि मैंने खुद को वापस पैक कर दिया। आई नो आई नो आई नो ठीक है ये काम करता है, अब देखा जाएगा यार जो होगा होगा।
आई डोंट नो. ठीक है यार, अब जो है सो है. अब लेट्स पैक दिस अप. अब देखते हैं क्या होता है. अब ये शायद गाइज इसका आंसर आप लोगों को एकन भाई के वीडियो में ही मिलेगा शायद से, आई होप. एंड लेट्स पैक दिस अप एंड ओके. फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है. एक बार और हम एकन भाई के नरम नरम बिस्तरे का यूज़ कर लेते हैं जो कि आई होप यहीं पे है. हाँ सो या आज के वीडियो में इतना ही था गाइज. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. मेरी क्रिसमस टू एवरीवन. एंड जाओ मैं पहले घर के अंदर घुस जाऊँ, फिर हम मेरी क्रिसमस करेंगे. अरे 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 कहाँ गई. सो शायद ये वीडियो एक दिन लेट आएगा गाइज. आई थिंक क्रिसमस के अगले दिन आएगा. सो या जो है सो है. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. अगर आए तो फटाफट से लाइक कर देना, कोई भी चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. एंड बाकी सब माइंडपुर निवासी को भी चेक करना गाइज, बहुत ही अमेजिंग वीडियोज़ बनाते हैं. आई होप सब बना रहे हैं मेरी तरह, ऐसा सब पागलपंती नहीं कर रहे हैं. ठीक है तो मिलूंगा मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट एपिसोड में. होपफुल एरलक्राफ्ट या फिर कंटिन्यू करेंगे हम. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम.